अब अगली खबर का रुख करते हैं। नीट पेपर लीक के मामले में सीबीआई ने रांची की एक मेडिकल छात्रा को गिरफ्तार कर लिया है। सुरभि नाम की यह छात्रा सॉल्वर गैंग का हिस्सा होने का इस पर आरोप है। इससे पहले सीबीआई ने पटना एम्स से भी 4 छात्रों को गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने इन सभी को कोर्ट में पेश करके इनकी कस्टडी हासिल कर ली है। सीबीआई आज नीट पेपर लीक के मामले में सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट भी दाखिल करेगी। हजारीबाग और पटना में चल रही जांच की जानकारी भी दी जाएगी। उधर एनटीए आज नीट एग्जाम का रिजल्ट ऑनलाइन जारी करने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने 12 बजे तक रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया है। तो आज सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की जानी है। इसके अलावा हजारीबाग और रांची में जो जांच चल रही उसके बारे में भी कोर्ट को जानकारी दी जाएगी। आज ही एनटीए को एग्जाम का रिजल्ट ऑनलाइन जारी करना और दोपहर 12 बजे तक का इसके लिए वक्त दिया गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट सीबीआई सौंपेगी और ये बताएगी कि अब तक की जांच कहां तक पहुंची है। आरोपी सुरभि से सीबीआई गुरुवार से ही पूछताछ कर रही है। आरोपों के मुताबिक चारों छात्रों के साथ सुरभि भी सॉल्वर गैंग का हिस्सा थी। ये जो छात्रा है वो अभी प्रथम वर्ष की छात्रा है, 2023 बैच की छात्रा है और उसको प्रारंभिक पूछताछ के लिए सीबीआई द्वारा जो है पहले किया गया था, पूछताछ के लिए अप्रोच किया गया था। उसके पश्चात फिर से जो है जो उनको लगा कि इसको और आगे की तरफ जो इंट्रोगेशन है उसके लिए और पूछताछ की आवश्यकता है, कस्टडी में लेने से पहले उनके जो लीगल गार्जियन माता पिता हैं उनको बताया गया था।